नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले वासियों ने कोरोना काल के दौरान नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही पूजा अर्चना के साथ भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कन्या भोज का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां बड़ी श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा मौर्या अगले वर्ष तू जल्दी आ के नारे लगाते हुए भगवान गणेश जी से कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई। वहीं नगरपालिका विभाग कर्मचारियों द्वारा लोगों के घरों में जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं को वाहन पर रखकर नगरपालिका द्वारा बनाए गए कुंड में विसर्जित किया गया एवं नदी तालाबों के विसर्जन स्थल पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रही, जहाँ नदियों के घाट पर मूर्तियों को विसर्जन नहीं किया गया। वही जिले में कोरोना काल के दौरान गणपति विसर्जन त्यौहार के मौके पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन चुरुस्त दुरुस्त रहा, जहां प्रशासन के द्वारा जिले वासियों से अपील की गई थी कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर ही नियमों का पालन करें एवं जिले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा मुख्य मार्गों से होकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल में गणेश जी को रखे गए थे और जिस तरह से बॉर्डर आया उसी तरह गणेश जी को पूजा पाठ घर ही में करके घर ही में विसर्जन कर दिया गया है और गणेश जी से प्रार्थना किया गया है कि ये कोरोना काल जल्दी ख़त्म करे गणेश जी और सबको मंगलमय रखे। कोविड को देखते हुए आज अपने घर में ही गणेश भगवान का बढ़िया विसर्जन करेंगे, टप में रख के ही पूजा अर्चना अपने घर के लोग मिलके कर लेंगे और यही विसर्जन कर देंगे। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतनी बहुत अनिवार्य है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके रक्षा करें और सबके वो दया दृष्टि बनी रहे सब पे और कोरोना भी विदा हो और सब सुरक्षित रहे, जो जहाँ रहे वो सब सुरक्षित रहे। गणपति बब्बा मौर्या, गणपति बब्बा मौर्या, बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश विसर्जन कोविड 19 को देखते हुए इस बार हम लोग अपने घर में गणेश विसर्जन को रखे हुए हैं। आप सब भी घर में ही रहें, सारे कॉलोनी वाले हम लोग सब घर पे ही हैं, सब आप लोग प्लीज कहीं भीड़ भाड़ मत लगाइए, सब अपने घर पे रहिए। अगले साल फिर गणेश जी आएंगे, फिर अपन धूमधाम से करेंगे, लेकिन इस बार इस कोविड को देखते हुए सब अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सब अपने घर पे ही सब कुछ करें, बाहर ना जाएं। कोरोना काल के दौरान ही हम सभी लोगों ने घर में ही गणेश जी की स्थापना की और कोरोना काल के दौरान ही हमने गणेश जी का घर में ही पूजा अर्चना करने के बाद उनका विसर्जन कर गणेश जी से निवेदन करते हैं अपने हैं कि वो इस कोरोना को जल्दी से संसार के लोगों को मुक्ति दिला। परंपरा के मुताबिक कोरोना अवधि में ही गणपति बप्पा का आगमन हुआ, हम लोगों ने उनको जो है मूर्ति उनकी स्थापित की, आवाहन किया, 10 दिन तक लगातार हम लोगों ने घर में ही पूजा की और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोगों ने आरती पूजन का निर्वहन किया। आज इतनी विषम परिस्थिति के पूरा उमरिया कोरोना से ग्रसित है, इसी वजह से जो है हम लोगों ने घर में ही पूजा अर्चना करके और घर में ही उनके विसर्जन का प्रण लिया है। चूँकि हर साल धूमधाम से गाजे बाजे के साथ उनका विसर्जन होता था, परंतु ऐसा वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है और मैं गणपति बप्पा से निवेदन करती हूँ कि इस कोरोना काल से हम लोगों को निकालें और समाज में शांति व्यवस्था और सबको सुख और ऐश्वर्य प्रदान करें। कोरोना के दौरान हम इस अवसर पर अपने घर में गणेश जी की स्थापना किए हैं और हम चाहते हैं कि इस कोरोना के दौरान में हम अपने घर में ही विसर्जन करें और उससे ये निवेदन करते हैं कि कोरोना के नियम का पालन करें और निवेदन है कि कोरोना के नियम का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितना ज़्यादा भी हो सके हम अपने घर में ही विसर्जित कर लें। निश्चित रूप से यह त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा, कलेक्टर SP साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उनकी देख रेख में यह त्यौहार जो है एक नए रूप में उमरिया में देखने को मिला, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने गणेश जी का विसर्जन किया, लोगों में काफ़ी उत्साह था, प्रशासन का पूरा सहयोग था, प्रशासन के सहयोग और प्रशासन की जो सूझबूझ थी वह काबिले तारीफ थी और अच्छे ढंग से त्यौहार को मनाया गया। मैं अपनी ओर से उमरिया के नगरवासियों की तरफ से
जिला प्रशासन को बहुत बहुत तारीफ करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गणेश विसर्जन ये हर साल आता है, त्यौहार है ये तो, और फिर इस साल अब कोरोना चल रहा है, कोरोना के अनुसार तो कुछ भक्तों को सब मना किया गया, तो भाई अपने अपने घरों में सबने मूर्तियां रखी हैं और छोटी छोटी मूर्तियां रखी हैं, तो भाई स्थापना हुई है तो विसर्जन तो होगा ही, और कोरोना लॉकडाउन से चल रहा है तो वो तो अपने माध्यम से चल ही रहा। तो ये है कि अब विसर्जन करने के लिए जिसकी जहाँ व्यवस्था जैसी बनेगी तो करेंगे, और नहीं बनेगी तो भाई जहाँ उपयुक्त है स्थान है तो वहाँ तो जाएंगे। बाकी लॉकडाउन के होते हुए कोरोना के चलते हुए एक दो आदमी ही जाके विसर्जन करें, उसका पालन करते हुए उसको अवरुद्ध में मत दें। अपने अपने घरों में छोटी छोटी मूर्तियाँ आती हैं तो सब अपने अपने स्थानों में विसर्जन कर लिया अपने अपने घरों में। अब पुलिस की ड्यूटी देखते हुए, पुलिस अपना कार्य अच्छा कर रही है, पुलिस हर जगह उनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो कानून व्यवस्था के अनुसार देखते हुए ये अच्छा है। गणेश विसर्जन के अवसर पर शहर में सभी जगह घाटों पर चेकिंग पॉइंट व्यवस्थाएं लगाई हुई थी पुलिस की, तो शांतिपूर्वक यह सम्पन्न हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके शांति।